पीछे हटाओ ये ग्लास, नहीं यही ग्लास मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। आपने सुबह भी मेडिसिन नहीं ली, अब तो प्लीज मेडिसिन ले लें। मैंने कहा चली जाओ यहां से, समझ नहीं आ रही तुम्हें, जाओ यहां से। सुंबल आप प्लीज जाइए, मेडिसिन मैं खिला दूंगा, आप जाइए। सुंबल ठीक ही तो कह रही है वो बेचारी। सुंबल अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ये लो खा लो। मुझे नहीं खानी है मेडिसिन। कहां गए थे तुम? बाहर गया थोड़ी देर के लिए, आगे होकर मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम तब्रेज। क्या मतलब? उसके साथ गए थे ना तुम, हाँ उसी के साथ बाहर गया था। तुम शायद भूल रहे हो या इस गलत फहमी का शिकार हो कि अब मैं कमजोर हूं और तुम मेरी प्रॉपर्टी पे ऐश करोगे, मालिक बन जाओगे और तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इसमें क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन यार, कभी तो मेरे बारे में पॉजिटिव होके सोचा करो। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, ना ही मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर, अब हमारी एक बेटी है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। हाँ लेकिन फिर भी तुमने उस औरत को अपना नाम दे रखा है। क्या रिश्ता बाकी रह गया तुम्हारा उसके साथ और क्यों? वो रिश्ता है और जब तक मैं जिंदा हूं वो रिश्ता तो बाकी रहेगा। सुंबल किसे कह रहे हो ये? हाँ सुंबल एहसान को? तुम मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं, तुम्हें क्या लगता है हा? तुम मेरे पैसे पे उसे ऐश कर के मैं चुपचाप बैठ के देखती रहूंगी। अभी जो तुम उसको साथ लेके गए थे हा? किसकी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी थी, मेरी। उसको शॉपिंग करवाने लेके गए किसके पैसों से? मेरे पैसों से। उसको खाना खिलाया कैसे? हाँ मेरे पैसों से, मेरे। अगर तुम्हें ये ठाट बाट और ऐश आराम चाहिए तब्रेज तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। मैं उन लोगों को अपना पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत तुम्हें नहीं दूंगी, समझे तुम? सुंबल बेटा क्या क्या हो रहा है? रुको, मेरा आखिरी फैसला सुनकर जाओ। अगर तुम ऐश आराम की जिंदगी चाहते हो तो सिर्फ मेरे बन जाओ। वरना खाली हाथ दुर्योधन के साथ उम्र भर के धक्के खाते रहो। फैसला तुम्हारे हाथ में है, दुर्योधन या फिर मैं।